हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक ऐसी कॉफी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो दुनिया का सबसे महंगा कॉफी है। आपने सही सुना, दुनिया का सबसे महंगा कॉफी है और इसका एक किलो पड़ता है $600 में और इस कॉफी का नाम है कॉफी लुपैक। ये पाया जाता है इंडोनेशिया के छोटे छोटे आइलैंड जैसे कि बाली, सुमात्रा और ईस्ट टाइमर जैसे कि छोटे छोटे आइलैंड वहाँ पर पाया जाता है और ये कॉफी दुनिया का सबसे टेस्टी और सबसे महंगा कॉफी माना जाता है। तो इस कॉफ़ी का एक स्पेशलिटी ये है कि बेसिकली ये नॉर्मल कॉफ़ी प्लांटेशन से जाके वहाँ के कॉफ़ी बीन्स को लेके सुखा के पाउडर बना के ऐसा नहीं होता है। ये कॉफ़ी एक्चुअली अलग तरीके से बनता है। बेसिकली एक सीवेट कैट रहता है जो जंगल में रहता है और नॉक्टर्नल एनिमल है, बेसिकली रात को ही निकलता है। वो ये कॉफ़ी बीन्स को खाता है। अभी किस वजह से वो खाता है मुझे नहीं पता। वो कॉफ़ी के जो चेरीज होते हैं उसको खाता है और उसको एक्सक्रीट करता है। तो वहाँ की जो लोकल गांव वाले ना, वो सुबह के टाइम पे जाके उसको कलेक्ट करते हैं, जो उसके जो पॉटी होते हैं, जैसे कि लिटरली उसको वैसे ही बोल सकते हैं पॉटी, और उसको फीसिस या जो भी है, पॉटी भी मैं बोलने के लिए थोड़ा शर्मा रहा हूँ इस वीडियो में, लेकिन उसको कलेक्ट करते हैं और उसको कलेक्ट करने के बाद उसको ड्राई करके वैसे ही नॉर्मल जो कॉफ़ी का जो प्रोसीजर होता है ड्राई करके पाउडर बना के मार्केट में सेल करना, वैसे ही करते हैं। लेकिन ये जो इसका जो पॉटी मिलना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, तो इसके लिए इन लोग बहुत ढूंढते हैं जंगल में, इधर उधर जाके ढूंढते हैं। उनको अंदाज़ा होता है कि यहाँ पे वो उसने पॉटी किया होगा, वो वहाँ से निकालते हैं उसके पॉटी को और इसके बीन्स को सेपरेट करके उसको ड्राई करके पाउडर करके मार्केट में बेचते हैं। मार्केट में इसका डुप्लीकेट भी मिलता है। अभी डुप्लीकेट कैसे मिलता है वो आपको मैं समझाता हूँ कि बेसिकली लोग है ना, ये जो सीवेट का मैंने बताया ना, पॉटी ढूंढते रहते हैं जंगल में, यहाँ वहाँ पे ढूंढते रहते हैं, तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है। इसी की वजह से इसका महंगाई इतना बढ़ गया, $600 एक किलो कॉफी का। तो कोई कोई लोग है ना जुगाड़ करते हैं, कि कैसे जुगाड़ करते हैं कि बेसिकली सिगरेट को पकड़ के आते हैं और कैद करके अपने फार्म में रखते हैं और उनको बहुत टॉर्चर देते हैं और उनको खाली कॉफ़ी की बीन्स ही देते हैं खाने के लिए और उनको ज़बरदस्ती स्ट्रेस देते हैं और कॉफ़ी बीन्स को खाने के लिए मजबूर करते हैं। अभी मार्केट में दो टाइप के कॉफ़ी आते हैं इस प्रकार के, एक जो वाइल्ड से निकाला गया है, जो ओरिजिनल फॉर्म है जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, और दूसरा वाला जो है वो बेसिकली फार्म में बना हुआ कॉफ़ी है, बेसिकली डोमेस्टिकेटेड सिवेट के थ्रू जो एक्सक्रीशन हुआ है उससे निकाला हुआ कॉफ़ी बीन्स। तो मार्केट में बहुत ही फ्रॉड्स होते हैं ऐसे इस प्रकार के, तो हमें समझना पड़ेगा कि कौन सा वाइल्ड वाला सिवेट से निकाला है और कौन सा डोमेस्टिकेटेड सिवेट से निकाला है, तो उसके ऊपर भी प्राइस में बहुत सारा डिफरेंस आता है। अगर डोमेस्टिकेटेड सिवेट से निकाला गया है तो बेसिकली उसका प्राइस भी बहुत कम रहता है। इसका एक रीज़न भी है क्योंकि डोमेस्टिकेटेड सिवेट है ना बहुत स्ट्रेस में रहता है, बिकॉज वो केज में कैद होता है और उसको बहुत स्ट्रेस होता है, तो बेसिकली उसके जो डाइजेस्टिव सिस्टम से जब कॉफ़ी बीन जा रहा होता है, वो जो प्रोसेस हो रहा होता है, उस टाइम पे उसको स्ट्रेस की वजह से ना उसका टेस्ट में भी चेंज आ सकता है, ये लोगों का दावा है। जो वाइल्ड में जो सिवेट रहता है वो बेसिकली स्ट्रेस फ्री रहता है और उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है, स्ट्रेस नहीं रहता, कुछ भी टेंशन नहीं रहता, और वो जब ये कॉफ़ी बीन्स कंज्यूम करता है या कॉफ़ी चेरीज कंज्यूम करता है तो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम से अलग प्रकार का प्रोसेस चलता है और उसका टेस्ट अलग होता है। इसीलिए मार्केट में दो डिफरेंट प्राइसेस मिलेंगे और दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे, तो लोगों को थोड़ा सा संभाल के रहना पड़ता है कि इसमें से सही कौन सा है और डुप्लीकेट कौन सा है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो आई होप दैट आपको ये वीडियो सिवेट कॉफ़ी के बारे में या कॉफी लुपैक के बारे में जो मैंने आप इस वीडियो में बताया आपको अच्छा लगा होगा। आगे भी जाके मस्त मज़ेदार वीडियोस के साथ मिथुन देवदास आने वाला है वापस। अनटिल द नेक्स्ट वीडियो, मिथुन देवदास साइनिंग ऑफ।